तो की हालचाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। आईसीआईसीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें ऑनलाइन घर बैठे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है आईसीआईसीआई बैंक में ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में दोस्तों आपको जो है कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करना है। यह जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपसे जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अकाउंट ओपन करने से पहले दोस्तों आपको जो है इसके बारे में बता देते हैं। इस अकाउंट में दोस्तों आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सभी तरह का फैसिलिटी मिलेगा। और दोस्तों आप जो है इसका फुल केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए। आपको दोस्तों बैंक वगैरह कहीं पर भी नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं इस अकाउंट के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो आपको क्या करना है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आपके पास जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है लोकेशन को ऑन कर देना है। आपको अपने ब्राउजर का जो लोकेशन होता है उसे ऑन कर देना है, परमिशन दे देना है इस तरह से। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यह जो है आईसीआईसी बैंक का माइंड सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको जो है कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। यह जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल नंबर को आप अपने अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है। उसके बाद देख सकते हैं आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आपका जो है पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं इस ऑप्शन को टिक कर देना है और आपको जो है नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आप सिंगल मैरिड चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, प्रोफेशनल, सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है डिपेंडेंट चूज कर लेना है। जैसे आप डिपेंडेंट चूज करेंगे तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हाउस वाइफ, रिटायर्ड और स्टूडेंट, तो आप जो स्टूडेंट के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सोर्स ऑफ इनकम चूज कर लेना है, कहाँ से आपका जो है इनकम होता है। जो भी आपका इनकम सोर्स होगा उसे आपको चूज कर लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जो है फंड्स फ्रॉम फैमिली के ऊपर चूज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन चूज कर लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको जो अपना इनकम का रेंज चूज कर लेना है, जो भी आपका इनकम है। अगर आपका कोई भी इनकम नहीं है तो आपको जो है नील चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी नाम आपको डेबिट कार्ड के ऊपर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आप जो है मदर्स नेम डाल सकते हैं, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स बाद में एड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है आई डोंट वॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम डालना है और देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस डिटेल्स होगा वह एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको स्टेट, सिटी और बर्थ सिटी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं, आपको जो है एस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है सभी डिटेल्स आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स डाला है, जो आपका एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपको जो है स्क्रॉल करना है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका टर्म्स कंडीशन को एग्री कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है एस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है फंड ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको जो है अपने अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहां पर चाहे तो डाल सकते हैं नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू, और चाहे तो आप जो है इसे स्किप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन है स्किप का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस अकाउंट में दोस्तों आपको जो है कोई भी बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच का नेम, आईएफएससी कोड, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों आप जो है वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास जो है ईमेल और एसएमएस भी आएगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी मिल जाएगा। नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे बनाएंगे, मैंने इस पे एक डिटेल्स वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों केवाईसी आपको जो है 48 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको जो है फिर ब्रांच जाकर केवाईसी को कंप्लीट करवाना होगा। जब दोस्तों आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर बाय पोस्ट डेबिट कार्ड और चेकबुक 7 से 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आ जाएगा और आपको जो है इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जिसको आप नेट बैंकिंग में और आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट में ऑफर रहेगा तो दोस्तों यहां पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। इस अकाउंट में दोस्तों आपको जो है कोई भी बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं करना है। ये दोस्तों एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।